हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे, तो एक बार कमेंट करके बताइए जय श्री राम। और अभी हम खड़े हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में। और अभी आप पीछे की साइड आप देख पा रहे हैं जो ये रास्ता जाता है राम की पैड़ी पे, और इस साइड आप देख पा रहे हैं लता मंगेशकर चौक। तो चलिए, हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं पूरी अयोध्या को एक्सप्लोर करने वाले, यहाँ की राम की पैड़ी और लता मंगेशकर चौक और भी जो चीज़ें हैं, कितने दिए लग चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए एक बार आपको राम की पैड़ी के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं अंदर में क्या क्या चीज़ें अभी हो चुकी हैं और क्या क्या होने वाली हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर की साइड में। ये वाला रास्ता जो आप देख पा रहे हैं सामने का, ये राम की पैड़ी में चलेगा। और राम की पैड़ी आप देख पा रहे हो नीचे की साइड में है। और ये जो लाइटें आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीकों से लगाई गई हैं, जो कि देखने में हमारे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या बहुत ही अच्छी सी लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या बताएं आपको, ये लाइटें जो आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीकों से लगाई गई हैं इसको। अभी हम आपको लेके आ चुके हैं ऊपर वाले रास्ते से नीचे की साइड पे राम की पैड़ी पे, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सामने इस मंदिरों पे आप देख पा रहे हैं लेजर शो हो रहा है। और ये अभी आप देख पा रहे हैं, अभी हमें राम की पैड़ी पे, और आप सामने की साइड देख पा रहे हैं इतने बड़े प्रोजेक्टर को लगाया गया है, जो कि यहाँ पे पूरी राम कथा दर्शाई जाएगी और भी चीज़ें जो होंगी वो दर्शाई जाएंगी। और ये सामने मंदिरों पर आप देख पा रहे हैं जो कि लेजर शो पहले होते थे, अब लेजर शो नहीं, यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई है जो कि लेजर लाइट की टाइप की है। ये लाइट लगाई गई है और यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरे दियो का कार्यक्रम चालू हो चुका है, जो कि अभी पूरे दिए अभी से ही लगाए जा रहे हैं। और इस बार पूरी अयोध्या में 21 लाख दिए जलेंगे, जो कि अगली बार अयोध्या में 17 लाख दिए जले थे और उसने अपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। और वो जो आप सामने देख पा रहे हैं वो फाउंटेन है, जो कि अभी चल नहीं रहा है, चालू हो जाएगा तो आपको हम वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। सामने की साइड पे जितनी भी लाइटें दिख रही हैं आपको सब लेजर शो करेंगी यहाँ पे। और भाई लोग देखिए, अभी बोलते ही समय वो देखिए दूर पे फाउंटेन ऑन हो गया। ये देखिए लाइन से कैसे ऑन होता हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। ये भाई क्या बात है, ये देखिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं पूरी अयोध्या जगमग हो चुकी है अभी से ही, और ये जब दिए जल जाएंगे तो और भी जगमग हो जाएगी। तो चलिए और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं यहाँ की, क्या चीज़ें अभी तक और भी हो चुकी हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अतिथि के बैठने के लिए यहाँ पे कई सारी कुर्सियों का आयोजन किया गया है, और भी चीज़ें जो हैं आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सभी चीज़ों को फिर से एक बार डेकोरेटिव किया जा रहा है, जो कि देखने में और भी बढ़िया लग रही हैं। कई सारे कैमरे भी लगाए जा चुके हैं यहाँ पे। और आइए आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा और इस नगरी अयोध्या को। आ चुकी है राम की पैड़ी पे कूड़ा उठाने की मशीन, जो कि वैक्यूम क्लीनर का काम करती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मशीन अब वैक्यूम क्लीनर का काम करती है। तो पब्लिक लोग अभी हम आ चुके हैं नया घाट पे, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारी चीजें नई कर दी गई, जो कि ये चीज़ पहले नहीं लगी हुई थी, जो कि बैरिगेटिंग कर दी गई, आप उस पार नहीं जा सकते। और पानी का जलस्तर ज़्यादा भी हो चुका है, और आप उस पुल को देख पा रहे हैं तो पुल भी डेकोरेटिव कर दिया गया है, और इस पर पटाखे लगाए जाते हैं जो कि पूरे अयोध्या को जगमग करते हैं और भी ज़्यादा बढ़िया से। और ये जो
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बंदरों का खतरा ज्यादा है। तो पब्लिक लोग, राम की पैड़ी के ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तो एक बार बोलिए प्रेम से जय श्री राम, कमेंट करके लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।